हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम गाइस। चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। एक मिनट जस्ट। लेट्स बिगिन। जस्ट एक मिनट गाइस। बस एक मिनट रुक जाओ। ला 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 नैना हारे दिल हारे कोरा कागज सा है मन मेरा, लिख दिया नाम मैंने तेरा, कोरा कागज सा है मन मेरा, लिख दिया नाम मैंने तेरा, नैना रे पूरा काम। ओके, सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। एंड आज हम लोग केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट क्वेश्चंस को देख के खत्म करने वाले हैं। ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी। चलो शुरुआत करते हैं फिर आज के इस प्यारे से नन्हे से मुन्ने से टॉपिक को। किधर गया ये रिड्यूस्ड केमिस्ट्री की बुक? चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम 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 बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक, वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तब तक मैं इस लिंक को शेयर कर देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों में ये शेयर नहीं है अभी तक। ला 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 ला, लिख दिया नाम मैंने तेरा, कोरा कागज सा है मन मेरा। चलो शुरू कर दिया मैंने सेशन। ओके, सो यस गाइस, वेलकम। चलो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल मैंने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और 12 जो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने फटाफट कल देखा था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। कोई भी टीचर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताएगा। आपको टीचर रिएक्शन के नाम बता देगा कि हाँ भाई चलो रोसेनमंड रिएक्शन, फिर गैटरमैन कोच रिएक्शन, फिर क्रॉस कैनिज़ारो, ऐसे कितने सारे रिएक्शन हैं, SN1, SN2 है ना, डिहाइड्रेशन है, फिर हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, ऐसे रिएक्शन के नाम बता दिए जाएंगे। बट रिएक्शन वो एज इट इज आएगा, ये ऑर्गेनिक में कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस किधर से आएंगे, कैसे आएंगे, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। मैंने आपको कल सिखाया भी था कल के सेशन में कि क्वेश्चंस कभी भी ए बोलेगा, ए से डी बनाने बोलेगा, आपको बी और सी भी बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देखो जरा यहां पे ध्यान से सारे लोग, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कल पहले ही बोला था कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में, जो भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम टॉपर हो, तुमने डिटेल में पढ़ा है, टेक्स्ट बुक की रीडिंग तुमने लाइन टू लाइन अच्छे से की है, तब तो तुम बेस्ट करके निकाल लोगे, तुम्हारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाओगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी तुम निकाल पाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा वीक हो, एवरेज बच्चे हो, शुरुआत में पढ़ाई नहीं की है, तो फिर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज। तो चलिए फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अमाइंस में जो रिड्यूस है वो नहीं बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यार, कभी कभी जो हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उन ऑर्गेनिक के चैप्टर में जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक से एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अब जैसे कि आपने हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा रहा होगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन दिया है क्या एक्सरसाइज में? नहीं दिया, बट वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हर एक चैप्टर में उनका क्लासिफिकेशन है। तो वो क्लासिफिकेशन एग्जाम में नहीं आता, मतलब एग्जाम में आता है बट एक्सरसाइज में नहीं दिया है, बट वो क्वेश्चन आता है ना। तो बस ऐसे ही होता है चीजें। तो बस वैसे ही यहां भी कुछ जो चीजें हैं आपके सामने, यहां भी जो आपके सामने कुछ चीजें हैं वो ऐसे ही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, अभी रिड्यूस सिलेबस नहीं है तो ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, टेबल भी वाला आप अच्छे से देख लो पूरा का पूरा, यानी कि प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइंस, ये सब आपको यहां पे देख लेना है। ठीक है, ये देखो टेबल देख लो अच्छे से। ये एग्जाम में 110% इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांसेस है, 110% इस चैप्टर से आने का चांसेस है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। बहुत से बच्चे 7, 8, 9 चैप्टर की बात कर रहे हैं, पहले इनको देख लो ना, उसको बता दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। 7, 8, 9 के इंपॉर्टेंट तुम लोग जो पूछ रहे हो वो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉसिबल है नहीं बताना। 60 पेज का चैप्टर, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट बताऊंगा? इंपॉर्टेंट बताने चलूंगा तो 30 क्वेश्चन, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और वो सब इंपॉर्टेंट बताते बैठूंगा ना, 30-40 क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा कि इतना सारा कैसे बता रहा है। अब जो चैप्टर बड़ा है तो उसके क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, उतना कर पाओगे। वेटेज ज्यादा है, वेटेज मत देखो, वो चैप्टर की औकात देखो पहले कितनी बड़ी है। उतना बड़ा चैप्टर है इसलिए उसका उतना बड़ा वेटेज भी है। तो वो चैप्टर का एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, बाकी कर नहीं पाओगे इतने कम टाइम में। ठीक है, वो चैप्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं आप सबको बता दूं ना कि मैंने सारे चैप्टर खुद के टाइम पे सब करके गए थे। मैं खुद पी ब्लॉक को ऑप्शन में छोड़ के गया था, क्योंकि उतना बड़ा चैप्टर लास्ट मिनट में रिविजन भी करने बैठूंगा, 3 घंटे खा लेगा। उससे बेटर मैं 3 चैप्टर दूसरे वाले कर लूंगा। ठीक है, तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुमको करना है कर लो। मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि हो सके तो उसके एक्सरसाइज कर लो, बस, बाकी कुछ नहीं। 9वां चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा बाद में, वैसे ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा और क्या इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे उसके। पहले यहां फोकस करो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के इस क्वेश्चन को ध्यान लो। इंग्लिश का कंप्लीट 1 शॉट ग्रामर सेशन जो है 7 PM इवनिंग में रहेगा, लाइव सेशन, 3 घंटे का कंप्लीट है। इंटरनेट भरवा लो बाद में, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने वाली क्लास, नो लाइव टेलीकास्ट, दोबारा नहीं होने वाला, एक ही बार रहेगा, देख लोगे जो लाइव में देख लेगा। लेट मत होना, 7 बजे पक्का लेक्चर रहेगा। तो प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइंस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में से क्वेश्चन 100% आएगा। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पे बता रहा हूं। नॉमेनक्लेचर में खुद नहीं जानता कि कौन सा आईयूपैक नेम एग्जाम में पूछेगा, आई एम रियली सो सॉरी, वो कोई नहीं जानता, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको आईयूपैक नेम कौन सा पूछेगा, वो मैं जानता हूं क्या। ये टेबल पढ़ लेना आईयूपैक नेम के लिए, इसे रेफर कर लो, बाकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी कोई भी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे छोटे छोटे रिएक्शंस लाइक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। हाँ, ये गाइस जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, ये एग्जाम में हमारे टाइम पे 2017 को 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो प्लीज फोकस ऑन दिस एंड आप लोग का फायदा होगा। ठीक है, बाकी ये उसी का पार्ट है, पूरा अच्छे से समझा देना। गाइस जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी चैप्टर की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस ही होते हैं, रिएक्शंस ही होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उनकी बॉन्डिंग कैसे ब्रेक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, किसके साथ सॉल्युबिलिटी है, कितना सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है या घुलता है मिलता है, क्या करता है, रिएक्शन करने की एबिलिटी क्या है, यही सब पूछता है। तो ये सब थोड़ा सा याद करके जाना पड़ेगा। ये तो आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी हो गया सब कुछ। बाकी रिएक्शंस है, उससे बेटर आप सीधा एक्सरसाइज में आ जाओ, क्योंकि उतने सारे कौन सा रिएक्शन आएगा कोई टीचर आपको बता सकता है क्या। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैकेनिज्म वगैरह तो ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। तो डोंट वरी, पेपर सिंपल रहेगा तो मैकेनिज्म इतना नहीं पूछने वाले हैं। वो सल्फोनेशन है, डाइपोलर ज्विटर आयन है, ये सब कर लेना। ज्विटर आयन एक शब्द मैंने बोला, उसको कर लेना। देखो अब ये जो आंसर इन वन सेंटेंस, देखो क्वेश्चन बैंक के छोटे क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बैंक के जो छोटे से छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको जरूर करके जाना। तो आंसर इन वन सेंटेंस तुम पूरा करके जाओगे, मुझे ऐसी आशा है। आंसर इन वन सेंटेंस था वो, वन सेंटेंस खत्म, वन सेंटेंस पूरा करके जाने का। अब देखो यहाँ पे, अब आप ही बताओ, ये पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से केसीएन डालोगे तो ए बनेगा, ए में सोडियम इथेनॉल डालोगे तो बी बनेगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से दिया है, एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज कर देगा तो क्या करोगे। यही फर्क होता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल होते भी नहीं है, इतना पेपर भी सिंपल बना है ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। पेपर सिंपल भी बना तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग, उसके फ्लो चार्ट, रिएक्शंस, ये सब आपको आने चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो सही है वो सही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलने वाला। नहीं पढ़ा है तुमने तो वो मैं क्या करूं, उसके लिए गलत तो नहीं बता सकता ना आप लोग को। तो इसीलिए सुनो, सॉल्यूशन देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन करके जाओ अच्छे से, ठीक है। फिर बेसिक्स ऑफ अमाइन एंड सुटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाओ, डायएजोटाइजेशन भी समझाओ। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नॉन कपलिंग रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड का इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, बस स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, 3 में से स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन मत छोड़ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लो, कन्वर्ट रिएक्शन। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी करके जाना, अमोनोलाइसिस क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वाला। बाकी बस हो गया, ठीक है। तो इतने कर लो, जो जो बता रहा हूं कम से कम 7 क्वेश्चन तो बताया है सिर्फ। अब 7 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या बोलूं। हाँ, और सुनो ध्यान से, यहाँ पे आईयूपैक नेम भी बताना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े क्वेश्चन देख लो, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन देख लो। तो सबसे पहला है आईयूपैक नेम। तो आईयूपैक नेम में पहले क्वेश्चन में ये जो ए वाला पार्ट है और बी वाला और सी वाला पार्ट है, ये हमारे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, इन्हीं को पढ़ के जाओ आईयूपैक नेम के लिए, क्योंकि ज्यादातर आईयूपैक नेम एक्सरसाइज से पूछ लेगा, कितना बनाएगा एग्जाम में। इनको करके जाना, सुन रहे हो ना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इनको कर लो, आईयूपैक नेम इनका कर लो, बाकी तुम जानो, ठीक है। उसके आगे निकलते हैं। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द अमाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो कैसे क्लासिफाई होता है। चलो ये क्वेश्चन आप दे भी दिया, अच्छी बात है। और अमाइंस के आईयूपैक नेम, फिर ये अमाइंस का जो हमारा यहाँ पे हाउ राइट रिएक्शन टू प्रिपेयर इथेनामाइन फ्रॉम। अब इथेनामाइन की प्रिपरेशन का टॉपिक यहाँ से, इन दोनों टॉपिक से, इन तीनों से इथेनामाइन बना के दिखाओ। तो ऐसे रिएक्शंस एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। बाकी ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइलामाइन एंड इथाइल डाइथाइलामाइन एंड ट्राइथाइलामाइन यूजिंग हिंसबर्ग रिएसेंट। तो करके जाना, बाकी नो इशू। बाकी हो गया खत्म। तो इस चैप्टर में से टोटल 10-12 क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन को करके जाओ, कभी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को करके जाओ, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, प्लीज फोकस ऑन लेक्चर और कहीं ध्यान मत दो, खाली फोकट का फेल हो जाओगे। पढ़ लो, बोल रहा हूं, पढ़ लो बेटा, अभी मौका है। प्यार वीर के चक्कर में मत पड़ो, प्यार एक धोखा है, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल की अभी हम बात करते हैं, जाओ ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से। बायोमोलिक्यूल चैप्टर की थोड़ी सी बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, लव वाइब्स, यहाँ ध्यान दो अभी। हिंदवी देशमुख, लव, क्या क्या नाम है, विवेक, ठीक है। यहां देखो अच्छे से अभी, चलो सोनू यहां देखो। सो क्वेश्चन नंबर 14, बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल में भी सब कुछ रिड्यूस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये कि व्हाट आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है। 2017 के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन सबसे आसान। इसके क्लासिफिकेशन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है, डायसेक्राइड है, देखो यहाँ पे दिया भी है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड भी उसी को कहते हैं, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है। बस 3 से 4 क्लासिफिकेशन बता देने, बाकी कुछ नहीं। सेम तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। हाँ, राइटिंग पैड वगैरह लेके नहीं जाने का रे बाबा, उधर मना करते हो लोग। समझा अच्छे से? विवेक कुमार, बार बार मैसेज करना बंद करो, सर को कितना पेमेंट किया? तुम पेमेंट देते हो क्या मेरे को? 1 रुपया लेता हूँ मैं किसी से। तुम्हारे बैंक अकाउंट से 2 रुपये भी भेजते हो? कभी नहीं ना, कभी मैं मांगता हूँ? सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ ना, तुम लोग को एक भी चार्ज नहीं करना। एजुकेशन शुड बी फ्री इन इंडिया और इन दी लोअर कॉस्ट, दैट्स इट। गरीबों के लिए, अमीर लोग तो बहुत अमीर होते हैं, पैसा भर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट समझा अच्छे से? तो कार्बोहाइड्रेट की जरा बात कर लो अच्छे से। सो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इसका क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट करके जाना, बाकी ठीक है। आगे निकलते हैं गाइस, दिस इज द चार्ट। ये चार्ट को चाट लो क्योंकि ये सेम क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 9 सेकेंड लास्ट पेज कार्बन कंपाउंड में भी था, इस साल के बच्चों के लिए रिड्यूस था। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं और उसके सारे टाइप, जिसमें ऑलिगोसैकराइड के भी डायसैकराइड, ट्राई, टेट्रा, उसकी इंफॉर्मेशन भी मस्त मस्त दी हुई है एग्जांपल के साथ। तो ये फ्लो चार्ट कर लोगे तो इस चैप्टर को समझने में बहुत फायदा होगा और आसानी होगी। समझा? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चार्ट में से क्वेश्चन अगर मान लो पूछ लिया कि गिव और डिस्क्राइब टेट्रासैकराइड, तो बता दो कि टेट्रासैकराइड कम्स अंडर ऑलिगोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड इज द सैकराइड व्हिच इज कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में 2 लाइन हो गई। फिर तीसरा यील्ड फॉर मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, फिर एग्जांपल में स्टैकियोज, और बता दो 2 से 3 गैलेक्टोज दैट्स इट मिक्स होके बनते हैं। तो 3-4 पॉइंट इधर ही हो गया। तो अगर आप लोग ना प्रॉपर से ये फ्लो चार्ट कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है, बाकी आपके ऊपर है। फिर आगे चलती है नोमेनक्लेचर, मुझे भी नहीं पता इसमें से क्या आएगा। हाँ, छोटे छोटे रिएक्शंस, जैसे कि सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे बनाओगे, फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, ठीक है, इनका हाइड्रोलाइसिस करने का, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बेटर डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स को करके जाने का, बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, ये स्ट्रक्चर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इन सबके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो ये उसका, देखो उनकी कायरालिटी है, यानी कि D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड, L- ग्लिसरॉल्डिहाइड, डेक्स्ट्रो एंड लीवो इसे कहते हैं। तो ये करके जाना अच्छे से, ये सब पढ़ाया हुआ है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तुमने नहीं पढ़ा रहेगा तो किसकी गलती है? दिन भर घूमोगे खेलोगे, इतनी बड़ी चीजें कहां समझेंगे तुम? ठीक है, ग्लूकोपायरानोज एंड ग्लूकोपायरानोज, बीटा डेक्स्ट्रो, अल्फा डेक्स्ट्रो। तो ध्यान देना आप, इससे बेटर ना मैं आपको एक्सरसाइज में लेके चलता हूं, क्योंकि यहां से आपको कुछ समझने वाला है नहीं, आपका होगा टाइम वेस्ट, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी हो। तो चलिए लेके चलता हूं सीधा, वहां से इंपॉर्टेंट बताता हूं, बस वही क्वेश्चन कर लो। हाँ, प्रोटीन के अंदर भी व्हाट इज अमीनो एसिड, व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज लिपिड, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। ये सब आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। चलो लेके चलता हूं, दिखाता हूं ना मैं। फिर भी यहाँ पे एक एक टॉपिक बताते चल रहा हूँ, तुम लोग भी पलटते जाओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन, बुक लिए रहोगे तो। अगर ठीक है, देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है एंड प्रोटीन क्या होता है, ये सब पूछता है एग्जाम में। आगे चल के विटामिन भी रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2018, 17, 16 हर जगह रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हम लोग को भी आया था ये। तो ये करके जाना अच्छे से, ठीक है। बाकी तो ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन कर लेना। एक्सरसाइज किधर है इसका यार, ये सब रिड्यूस है, ये सब नहीं पढ़ने का, ठीक है। फिर देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्लीज ये टॉपिक करके जाओ, ये एग्जाम में 3 मार्क्स को आ चुका है, हमारे प्रीलियम में पूछा था, मुझे आज भी याद है 4 साल पहले, ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करके जाना, बाकी तुम्हारे हाथ में। एंजाइम बेंजाइम का आएगा तो कर लेना। चलो एक्सरसाइज चलता हूं लेके। डीएनए का स्ट्रक्चर, देखो ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जीवन में अगर तुमने मेरे से 10th में साइंस पढ़ा रहा होगा तो तुमको मैंने पक्का बताया होगा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब बोल देगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोसिन या यूरासिल या थायमिन, तो आपको बता के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोच लो इतने बड़े बड़े हमारे डीएनए में ये प्रेजेंट है, ये सब डीएनए में होता है, कार्बन हमारे डीएनए में भी प्रेजेंट है। सोच लो कितनी बड़ी चीज होती है कार्बन, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड सब हो गया। अभी लिपिड के बारे में भी पढ़ लेना, ये आ गया एक्सरसाइज, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है। देखो अच्छे से अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ, जो रिड्यूस है उसे मत करना। सबसे पहला ही क्वेश्चन वही वाला दिया हुआ है, नेगेटिव टॉलरेंस अगर डालोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो डाइसैकराइड सुक्रोज की बात कर रहे हैं, गिव साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन 2 मार्क्स के लिए आएगा, कर लो अच्छे से, खुद से भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बोलो तो ये चौथा पांचवा मत छोड़ना, ठीक है, चौथा और पांचवा मत छोड़ना। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पहले कह देना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो दोनों। अब आ जाओ देखो यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, आई थिंक रिड्यूस है तो मत करना, रहेगा तो कर लेना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ डबल स्ट्रैंडेड, ये कर लो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेंस यूरासिल, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेंस डी राइबोस। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन की हालत देख रहे हो कितनी बेस्ट है, क्वेश्चन सामने से दिख के लग रहा है कि आएगा एग्जाम में, पहले ही कह देता हूं, बाद में पछताना मत बैठना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैलिंड्रोम के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर अगर बड़ा क्वेश्चन बना 5 मार्क्स के लिए तो ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी कुछ नहीं आएगा। हाँ ये देखो क्वेश्चन, ये थर्ड मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिव 2 एविडेंसेस ऑफ फॉर प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ग्रुप इन ग्लूकोज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये चिंदी क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है इसका, कर देना, ठीक है। बाकी आ जाओ नीचे, बाकी कुछ नहीं करना है। यहां देखो, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम। अब देखो जितने भी यहां पे दिया हुआ है ये एक एक डायग्राम को आप डिटेल में करके जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां से 100% एक या दो क्वेश्चन पक्का दिखेगा इनमें से, पहले ही कह देता हूं। जो रिड्यूस है उसे मत करना, चाहे वो हैवॉर्थ प्रोडक्शन हो, प्रोजेक्शन हो, फिर ज्विटर आयन हो, हैवॉर्थ फॉर्मूला हो, सेकेंडरी स्ट्रेन, एमपी डीएमपी, जो भी हो, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगर ऑर्गेनिक पूरा छोड़ के जाते हो तो फेल होने के चांसेस तुम्हारे 90% हैं। अब पहले पढ़ोगे नहीं, फिर बाद में ऐसा करोगे ये छोड़ के जाऊं वो छोड़ के जाऊं, तो फिर किसकी गलती है। इसीलिए कहता हूं कि अगर ऑर्गेनिक छोड़ के गए तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पहले कर देता हूं। वेलकम सार्थक, प्लीज यहाँ फोकस करो, ठीक है, इस बात को पहले ही बोल देता हूँ, बाद में मत बोलना। पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दोगे तो फिर पढ़ के क्या जाओगे। क्या तुम, अब जो बंदा पूरा ऑर्गेनिक छोड़ सकता है तो क्या वो ये 100% सिक्योरिटी दे सकता है कि पहले से लेकर के 9 चैप्टर उसको अच्छे से आते हैं? नहीं ना। तो पास होने का तो कोई भी पास होगा, 25 आई थिंक लास्ट पासिंग है, तो प्रीलिम तुमको प्रैक्टिकल से 30 में से 25 मिल जाएगा, 10 मार्क्स और निकालना रहेगा, तो वो तो तुम 10 मार्क्स निकाल ही लोगे, तो पास तो हर बच्चा होने वाला है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। अब पॉलीमर केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बस पहला अपना प्यारा क्वेश्चन है, हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन। चाहे वो 10वें चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन हो या हेलोजन डेरिवेटिव हो, चाहे वो 11वें चैप्टर का अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो 12वें चैप्टर का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो 13 चैप्टर अमाइन का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल्स के किसी भी सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन हो, और चाहे वो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हो, हर चैप्टर में तुमको ऑर्गेनिक के क्लासिफिकेशन पक्का मिलेगा। और ये क्वेश्चंस बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपके एक्सरसाइज में भी नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन आपको हमेशा क्लियर करके जाना होता है, तो ध्यान देना अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मतलब छोड़ने का नहीं। अब उसमें भी नेचुरल पॉलीमर, फिर प्लांट पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो ये सिंथेटिक जो भी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। गाइस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेक्स्ट बुक में से पढ़ने से अच्छा आप मेरी हैंड रिटन नोट जाके देख लो पॉलीमर की, मैंने टेलीग्राम में सारा का सारा डाल के दे दिया आप लोग को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो जाओ और फायदा उठाओ। सीधा आप चलते हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले बोल दिया, सिर्फ एक्सरसाइज पे इस पे ध्यान दो। ऑर्गेनिक सबकी वीक होती है, तो जो मैं आइडिया दे रहा हूँ, टॉपर बच्चे तो सब करके जाएंगे ऐसा नहीं है, बट जो आइडिया दे रहा हूँ एचडीपी एलडीपी वो सब करके जाने का, ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। आ जाओ फटाफट बताता हूँ, पॉलीमराइजेशन ये सब कोई, ये तो ज्यादा आता है, ये PHBV कर लो। आ जाओ लेके चलता हूँ ना आपको सीधा एक्सरसाइज में, किधर गया यार। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, MCQ तो ऑब्जेक्टिव सब तुम लोग वहां से करके जाओगे, कहां पे जानते हो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अकेले 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये अकेले पहला क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा। अब देख लो अच्छे से, जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है, उसमें ए बताओ क्या है, और इसमें से देखो ये बी बताओ क्या है। तो ये दोनों रिएक्शन दो दो मार्क्स के लिए पूछेगा, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ये बड़े क्वेश्चन हैं, ये को यहां के क्वेश्चन आपको सीधे लास्ट आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे लास्ट में दिखेंगे। बड़े क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में नहीं दिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद देखो अब आपको ऐसा भी आ सकता है कि ये सारे के सारे पूछ ले, ये पूरे के पूरे दे देगा। देखो 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के ये पांचों फिल इन द ब्लैंक 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, बोलेगा इसको फिल करके दिखाओ। तो प्लीज इसको छोड़ के मत जाना, बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि इसको करके जाना अच्छे से। तो वेटेज कम है इसीलिए तो बता रहा हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, हाँ, डिफाइन द टर्म्स, ये छोटे छोटे डेफिनेशन एग्जाम में मान लो 3 मार्क्स के लिए तीनों डेफिनेशन पूछ सकता है। वल्कनाइजेशन, मोनोमर, सिंथेटिक फाइबर, रिड्यूस वाला रहेगा मत करना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो इसी तरीके से सम चेन ग्रोथ पॉलीमर, ये सब कुछ करके रखो अच्छे से। आगे बात करते हैं कुछ थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, इन पे भी थोड़ा ध्यान देना। तो जो ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, इनको छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। बाकी आंसर दी फॉलोइंग, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, नायलॉन है, टेरिलिन है, ठीक है, फिर इनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स करके जाओ। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाला, फिर बाकी कुछ नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो SBR रबर, बुनायन रबर, नियोप्रीन रबर, इनको थोड़ा सा अच्छे से करके जाओ। ये रबर में बुना एन रबर, ये 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछ सका है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जाने का, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी 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 कुछ नहीं। मैच दी फॉलोइंग कर लो भाई, सुनो ये मैच दी फॉलोइंग भी करके जाना, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं भाई। मैच दी फॉलोइंग करके जाना, फोकट में दिखने के लिए से बड़ा है। देखो यहाँ पे ये नेचुरल रबर क्वेश्चन नंबर 8वां भी कर लेना। वैसे भी इसका वेटेज बहुत कम है तो छोड़ दो। मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, सब क्वेश्चन छोड़ के जाना, बट ये क्वेश्चन मत छोड़ना। थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक के बीच में डिस्टिंग्विश करके दिखाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। बाकी अगर छोड़ना रहेगा सबको छोड़ भी देना। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना अच्छे से, ओके, क्लियर। जो मैं कह रहा हूं अच्छे से ध्यान देना अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। बाकी तो आप करते ही बैठोगे जो अगर आपको आएगा तो। इतने सारे क्वेश्चन हैं, वही वही बार बार रिपीट करके दिया, इतना सारा क्वेश्चन करना रहेगा, कर लो। अब हमारा लास्ट है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री 3 मार्क्स का चैप्टर है, सिर्फ एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं मैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूँ, जो हमेशा आता है। आ जाओ भाई दिखाता हूँ, बाकी कुछ नहीं आता इसमें से। वो 2 स्ट्रक्चर किधर गया, रुको दिखाता हूँ मैं। वो 2 स्ट्रक्चर आपके प्रीलिम में भी आ रहा होगा, किधर गया भाई, किधर गया, ये नहीं। वो 2 स्ट्रक्चर बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, ये कर लेना, हाउस होल्ड प्लास्टिक वाला, बट स्टिल चलो आज दिखाता हूं मैं। वो 2 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये सब कर रहा हूँ। नैनो साइंस क्या होता है, व्हाट इज नैनो साइंस, ये सब पढ़ के जाने का। बाबा 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? लास्ट चैप्टर है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मत सोच के जाने का। क्या पता यही करके जाओ और ये एग्जाम में आ गया। ये नैनो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हैं, करके जाने का, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। इस चैप्टर से वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताता, वो किधर गया डायग्राम, वो हमेशा आता है, वो मॉलिकुलर फार्मूला वाला स्ट्रक्चर्स, वो लगातार हर साल पूछा है, इसलिए दिखा रहा हूँ ना तुम लोग को ढूंढ के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुको दिखाता हूँ। देखो ये भी कर लो, एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, ये सब करके जाओ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, तो करो, फायदे में रहोगे। नहीं दिया यार, वो स्ट्रक्चर ही नहीं दिया है, छोड़ो जान दो, दिया ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो क्यों करोगे, तो मत करो, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। सो चलिए ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर का बस एक्सरसाइज कर लेना, 3 मार्क्स का कुछ चैप्टर है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट बताऊं मैं। तो नैनो मटेरियल वाला टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा फोकस करना, जैसे कि नैनो मटेरियल क्या है, उसके एप्लीकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नैनो पार्टिकल के, और नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन। तो ये 4 क्वेश्चन बस कर लेना इसमें से, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे आप करने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं और कोई जानता नहीं कि ये छोटे चैप्टर में से क्या आएगा। जो इम्पोर्टेंट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट वो और स्टार्टिंग की इनऑर्गेनिक और फिजिकल के पार्ट, उसको मैंने आपको डिटेल तरीके से बता दिया कि क्या आएगा। अब इस चैप्टर में से क्या आएगा वो कौन जानता है। 3 मार्क्स का एक तो इसका वेटेज है, तो कोई सोचता भी नहीं कि 3 मार्क्स से क्वेश्चन कौन से बता दूं, एक ही क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ना, उनको सबसे बेटर कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लास्ट का चैप्टर था इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 15-20 क्वेश्चन है। अब 3 मार्क्स का तो सिर्फ वेटेज है, अब 3 मार्क्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट बताऊं, तो कुछ चीजें मेरे अंडर में नहीं है, वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, सो गाइस बहुत बढ़िया, हमने शुरुआत से लेके एक एक चीज का डिटेल्ड तरीके से एक एक क्वेश्चन देखा। जिसके पॉसिबल नहीं थे मैंने बता दिया कि इसके इंपॉर्टेंट पॉसिबल नहीं है, वो पूरा चैप्टर करना है। ये इतना छोटा चैप्टर है लास्ट वाला, और उसमें भी इंपॉर्टेंट बताऊं ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसमें भी नैनो मटेरियल के इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन बता दिया मैंने। थोड़ा सा खुद का भी कॉमन सेंस लगाओ, पूरे साल भर तो पढ़ोगे नहीं, फिर लास्ट में अगर मैं 10 क्वेश्चन दे दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो बोलोगे पूरा दे दिया है, ऐसे लोग फोकट के। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दो। जितने बाकी के बताया हूं ना 40-50-50 क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है, उससे बेटर कि 10-10, 7-7, 8-8, 5-5 क्वेश्चन जो दिया हूं हर एक चैप्टर से, उनको करके जाओ अच्छे से, और पास तो पक्का होने वाले हो। और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का दिखेंगे, अरे आपके प्रीलिम में भी दिखे होंगे यार, तो पक्का अच्छे से करके जाओ। और नहीं भी करते हो तो तुम्हारी मर्जी है, और अगर करना ही है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, बाकी आपके हाथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा एक बिलीव और हिम्मत रखोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब कल से फिजिक्स केमिस्ट्री का खत्म कर दिया, केमिस्ट्री का 7वां 8वां 9वां अगर चाहिए रहेगा तो मैं डाल दूंगा, डोंट वरी, 1-2 दिन में ले लूंगा किसी दिन। ठीक है, रह गया बायोलॉजी, बायोलॉजी का 3 चैप्टर बताया है, फटाफट बाकी का पूरा बता दूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो अच्छे से। और इंग्लिश का आज का 7 बजे का सेशन जरूर ज्वाइन करना, वो तुम्हारे लिए सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके उनसे लेक्चर लेने बोला है मैंने, तो प्लीज शिद्दत से और अच्छे से करके जाना चैप्टर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय। और 10th वाले बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना अच्छे से, 10th वाले बच्चों को मैं जल्दी ही मिलने वाला हूँ कल से। ठीक है, आदर्श शेल के, थोड़ा शांत हो जाओ, जो चीज़ समझ नहीं सकता इंसान उसे बोलना नहीं चाहिए वो चीज़। ठीक है, ध्यान रखो। चलो अब आगे निकलते हैं। सो अब बाय बाय गाइज, मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, तो पेपर ऑफलाइन ही होगा, किसने बोला ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो शिद्दत से पढ़ते रहो, बहुत आगे जाओगे। जितनी चीज़ें मैंने बताई है उनको अच्छे पे ध्यान देना अच्छे से। मेरी तबीयत का थोड़ा सा इशू है बस, इसलिए तो बस अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलेगा, क्लियर जो कह रहा हूं मैं, ध्यान देना। चलिए सो गाइस अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। 7-8-9 का मैं ले लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इंग्लिश का लेक्चर आज 7 बजे रहेगा, सब अपने फ्रेंड्स में लिंक शेयर कर देना, मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है शेड्यूल, और आज पूरा ग्रामर, कल हम लोग लेंगे राइटिंग स्किल और नॉवेल, परसों गाइडेंस सेशन। ठीक है, चलो सो बस अच्छे से सब लोग पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।